नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और इस वक्त की बड़ी खबर है देहरादून से। देहरादून से बड़ी खबर, लोकसभा को लेकर भाजपा ने कसी कमर। त्रिशक्ति सम्मेलन के लिए बनाए गए संयोजक। 2 फरवरी को देहरादून में होगा त्रिशक्ति सम्मेलन। नरेश बंसल हरिद्वार टिहरी लोकसभा सीट के संयोजक। गजराज बिष्ट को अल्मोड़ा नैनीताल की जिम्मेदारी। खजान दास को पौड़ी की दी गई है जिम्मेदारी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने सौंपी जिम्मेदारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और त्रिशक्ति सम्मेलन के लिए बनाए गए हैं संयोजक। 2 फरवरी को देहरादून में होगा त्रिशक्ति सम्मेलन। नरेश बंसल हरिद्वार टिहरी लोकसभा सीट के लिए और गजराज बिष्ट को अल्मोड़ा नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। खजान दास को पूरी दी गई है जिम्मेदारी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमसे जुड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, भाजपा पूरी तरह से कमर कस चुकी है, उसको लेकर त्रिशक्ति को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए रोशनी, जिस तरह से त्रिशक्ति सम्मेलन होना है देहरादून में, देहरादून के परेड ग्राउंड में, तो उसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। कल भी 2 केंद्रीय मंत्री संगठन के बीजेपी के, वो यहां पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे और लगातार यहां पर यूं कहें कि हम क्योंकि अमित शाह का दौरा है, अमित शाह एक तरह से विजय का पाठ पढ़ाएंगे, विजय मंत्र कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे। और इस जो त्रिशक्ति सम्मेलन है, इसमें हरिद्वार और टिहरी लोकसभा सीट, इन 2 लोकसभा सीट के जो कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे, जिसमें सांसद से लेकर बूथ लेवल का कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा। तकरीबन 15,000 के आसपास की गैदरिंग बताई जा रही है। और उसी को लेकर आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय भट्ट, उन्होंने संयोजक यहाँ पे बनाए हैं इस त्रिशक्ति सम्मेलन को लेकर, जिसमें की खजान दास को पौड़ी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है, वहीं गजराज बिष्ट हैं उनको नैनीताल और अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ जो नरेश बंसल हैं उनके ऊपर देहरादून और हरिद्वार और टिहरी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा अपने चुनावी मोड में है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो त्रिशक्ति सम्मेलन होना है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है संगठन के लिहाज से, तो उसको देखकर जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर की जा रही हैं और ये जिम्मेदारी भी अलग अलग नेताओं को दी जा रही है। उसी कड़ी में ये संयोजक यहाँ बनाए गए हैं, तो कह सकते हैं हम कि भाजपा जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में इस समय आ गई है। जी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अमित शाह की अगर बात करें तो वो भी दौरे पे हैं, तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से तैयारी में जुटा होगा? जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर कहीं दौरे पे जाता है, तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल होता है, बड़ी चुनौती होता है। उसको लेकर लगातार सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं, क्योंकि त्रिशक्ति सम्मेलन जो है वो 2 फरवरी को होना है देहरादून के परेड ग्राउंड में होना है, और ये परेड ग्राउंड काफी बड़ा मैदान है, तो यहाँ पर उनका जो सम्मेलन हो रहा है, साथ ही साथ जो अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे और दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है उसके लिए एक सुरक्षा की व्यवस्था काफी चुनौती भरा है, और इसको देखते हुए यहाँ पर लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा के जो घेरे हैं उनको तैयार किया जा रहा है, जो सुरक्षा की रणनीति है उसको भी लगातार अमल में लाया जा रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है। जी, जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, तो क्या लगता है कि जो त्रिशक्ति सम्मेलन है उसके अलावा भी कोई कार्यक्रम होगा, इसकी कोई सूचना? देखिए रोशनी, जिस तरह से अमित शाह, क्योंकि इस समय देश में 2019 के जो आम सभा चुनाव है उसको लेकर हलचल तेज है सभी पार्टियों में, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, तो भाजपा भी इसी कड़ी में अपने, जिस तरह से अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी पीछे बंगाल में भी उन्होंने जनसभा की थी, और देश के अलग अलग भागों में जाकर कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने का वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसी कड़ी में यहाँ वो त्रिशक्ति के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र एक तरह से देने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक अमित शाह की एक क्लास होगी, वो क्लास होगी जिसमें कि कार्यकर्ताओं को, जिसमें बूथ लेवल से लेकर और ऊपर सांसद तक, जो लोकसभा के सांसद हैं वो इसमें शामिल होंगे, उनको इस एक तरह का पाठ
यहाँ पर अमित शाह पढ़ाएंगे और उनको ये बताएंगे कि किस तरह से जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, जनकल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उनको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए और कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि हाँ भाजपा ही एकमात्र विकल्प है जो कि देश में विकास कर सकता है। तो ये सभी मंत्रों के साथ यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और त्रिशक्ति सम्मेलन के साथ साथ जो संगठन के पदाधिकारी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।